हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन प्रियंका। और मैं हूँ प्रियंका। तो गुड मॉर्निंग सबको, सुबह से वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं और हम सब भी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन तबीयत थोड़ा सा डाउन है। मुंह देखते समझ ही सकते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं है तबीयत सबका। मैं, मेरी बेटी का, हस्बैंड का, सबको सर्दी वगैरह लगी है। इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी है हमारे यहाँ गर्मी की वजह से। तो चलिए छोड़िए बातों को, सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो। तो सुबह का देखिए ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे है मैगी, ये तीनों पोर्शन हमने ले लिया है। ये है पीठा का, ये है आपके भैया का, और ये है मेरा, और यहाँ पे है ड्राई फ्रूट्स। अब इससे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है? रोज स्टार्ट करती हूँ वीडियो, ब्रेकफास्ट दिखाना भूल जाती हूँ, तो आज सोचा चलो ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखिए, और आगे जो भी करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चैनल में नया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और पास में बेल बटन को प्रेस करके ऑल कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए, वीडियो को देख सको। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर। चलिए वीडियो स्टार्ट कर चुकी हूँ। पहले ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ, उसके बाद फिर और क्या क्या करना पड़ता है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए गाइस, अभी बैठे हैं हम लोग, अभी खाना नहीं बना है, 12 बज चुके हैं। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, करने को मन नहीं हो रहा है। पूरा वेदर डल है, पूरा मतलब बारिश आने वाला है ऐसा लग रहा है, लेकिन बारिश आ नहीं रहा है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मतलब अभी लगता है कि सोते रहे बैठे रहे। मैं अभी तक इतने देर तक फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, फ़ोन देख रही थी, वीडियो देख रही थी यूट्यूब में, फिर इंस्टा पे वीडियो देख रही थी। तो अभी चलिए थोड़ा सा बैठ लिया है, बैठ बैठ के मतलब ऐसा आ रहा है कि अभी सो जाओ, ऐसा नींद आ रहा है। और पीठा यहाँ पे नहा के आ चुकी है, वो अभी पूजा करेगी, और मैं अभी सब्जी वब्जी काटूंगी, खाना बनाऊंगी। और क्या, अच्छा नहीं लग रहा आज खाना बनाने का मूड ही नहीं हो रहा है। देखते हैं क्या बनाते हैं, झटपट कुछ बना लेंगे। चलिए, और यहाँ पे देखिए गुल्लू क्या देख रही है, पता नहीं गुल्लू क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको? गुल्लू की हिंदी समझ में नहीं आ रहा है कुछ की। तुमको क्या समझ में आ रहा है, हिंदी समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये है पूछ की, इसके नाम है पूछ की, ये तो पूछ की ये सारा दिन सोती रहती है। ये देखिए नींद आ गई इसको, ये सारा दिन ऐसे ही सोती है, पंखे के सामने सो जाती है। छुपड़े घूमिए, पड़े घूमिए। तो चलिए अभी हम लोग खाने का प्रिपरेशन करते, देखते क्या बनाया जाता है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, देखो भी नींद आ रही है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने खाना मतलब बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है। तो सब्जी वब्जी सब झटपट करके मैंने काट लिया, चॉप कर लिया था, और अभी खाना मतलब चढ़ा दिया है, राइस हो गया है, और अभी यहाँ पे सब्जी, एक मिक्स सब्जी बन रहा है, वहाँ पे चटनी बन रहा है आम का, फिर एक अंडा पोस्ट तो बनाएंगे, उसका रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे सब्जी है, जैसे ये है कद्दू, ये है परवल, ये है बैंगन, टमाटर, आलू, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रम स्टिक बोलते हैं इसको, हम लोग डाटा बोलते हैं। ये सब मिला के एक सब्जी बना रहे एकदम सिंपल में। और यहाँ पे बन रहा है आम का चटनी, ये हो चुका है ऑलमोस्ट। तो गाइस मैंने बोला था आप लोगों के साथ ग्रीन पोस्टो का रेसिपी शेयर करूंगी, तो मैं थोड़ा सा यूनिक से बना रही हूँ आज, ठीक है ना? वैसे डिंग को, अंडे को बॉईल करके फिर बनाती हूँ, लेकिन आज अंडे को बॉईल नहीं करूंगी। आप देखिए कैसे बनाते हैं, तो चलिए आइए।
ऑयल मैंने दे दिया है, ऑयल गरम भी हो गया है। अभी इसमें अंडे को फोड़ के डाल दूंगी। अभी इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। तो इसी तरीके से सारे अंडे को मैं ऐसे फ्राई कर लूंगी पहले, उसके बाद का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मेरा सारा अंडा फ्राई हो गया है। यहाँ पे मैंने 6 अंडे लिया है। तो सब मैंने ऐसे पोज बना के रखा है। अभी कढ़ाई में मैं ऑयल डाल रही हूँ सरसों का। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। मैंने यहाँ पे 2 बड़ा साइज का प्याज चॉप करके रखा था, वही ऐड कर रही हूँ। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लूंगी मैं। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। थोड़ा सा हल्दी। अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी इसमें ऐड करूंगी टमाटर। 1 बड़ा साइज का टमाटर मैं रखती हूँ कट करके, ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने पोस्तों को पेस्ट करके रखा है पहले से ही। आप लोगों को दिखा रहा है, अच्छे से दिख रहा है क्या? पोस्तों और हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च डाल के इसको पेस्ट करके रखा है। ये अब मिला दूंगी इसमें। तभी अच्छे से सबको मिला लेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। कच्चा जो रॉ स्मेल होता है पोस्तों का वो चला जाए, तब तक इसको अच्छे से भून लेंगे। और इस बर्तन को मैंने धो लिया है पानी से, वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसको भून लूंगी। तो अभी इसमें ऐड कर रही हूँ मैं सूखी मिर्ची का पाउडर। थोड़ा सा ही दे रही हूँ क्योंकि मैंने कच्ची मिर्च हरी मिर्च यूज किया है, आप अपने हिसाब से देना। अभी इसमें थोड़ा सा मैं चीनी यूज कर रही हूँ क्योंकि पोस्तों में चीनी मीठा थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये सबको अच्छे से भून लेते हैं 2 मिनट तक। तो गाइस देखिए, यहाँ पे अच्छा से फ्राई हो गया है, मेरा पोस्त सूख गया है। इसमें अभी पानी डाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा और पानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है और अभी सारे अंडों को इसमें मैं डाल दूंगी। ये देखिए, तो हल्के हाथों से सबको एक साथ मिला दूंगी। अब ये थोड़ा सा सूख जाएगा तो ये रेडी हो जाएगा। ऐसे करके आप घर में जरूर ट्राई करना, बना के अच्छा लगेगा। थोड़ा सा यूनिक रेसिपी है। आप किसी ने भी खाया है ये रेसिपी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए, ये वाला तो मेरा कुकिंग कंप्लीट हो गया है। अभी मैं गुल्लू और कुकी को खिलाने वाली हूँ, तो चलिए उन लोगों को खिला देते हैं।
रीता अभी पढ़ाई कर रही है, आज उसका स्कूल था पर गई नहीं है। उसका तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, 2 दिन से बुखार है उसको, अभी वो पढ़ाई कर रही है। और मैं अभी यहाँ पे ये लेके हवा खा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ हो चुका है लोड शेडिंग, काइंड ऑफ काइंड पावर कट हो गया है अभी, इसलिए हाथ पंखे हैंड पंखा, इससे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाहर वेदर देख रहे हो आप, बारिश भी नहीं हो रहा है और उतना मतलब सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो करंट चले गया है, पावर कट हो गया है क्योंकि बाहर CSC का काम हो रहा है, तो इसीलिए हम अभी बैठे हैं ऐसे वेले बैठे हैं और ऐसे हैंड पंखे से हवा खा रहे हैं। हाँ ये देखिए गाइस, हमारे घर पे कुत्ते के नाम पे बिल्ली आ गई है, यही छोटी बिल्ली पूछ की पूछू। देखिए नींद से उठ के पूछकी का मुंह ऐसे हो जाता है, बिल्ली के जैसे मुंह हो जाते हैं मेरे बच्चों। और एक देखिए गुल्लू को, देखिए गुल्लू हंसमुख है, गुल्लू हंसती रहती है ना गुल्लू, गुल्लू शना गुल्लू स्माइल कर रही है देखिए। और पुचकी को देखिए भोंबोल हो गई है, घूम से उठ के नींद से उठ के भोंबोल हो गई है। और यहाँ पे मिनी पी रही है, अभी क्या पी रही हो, बॉर्नविटा पी रही है मिनी अभी। और हम लोग अभी पियेंगे, ये है ग्रीन टी मेरा और ये आपके भैया का मिल्क टी। और यहाँ पे हूँ मैं, गाइस देखिए यहाँ पे मैं अभी नेल फाइल कर रही हूँ, बहुत मतलब नेल टूट जाता है, मैं बर्तन वर्तन सब साफ करती हूँ ना के लिए, बहुत बर्तन मतलब सारा दिन में इतना ज्यादा बर्तन होता है हमारे घर में कि काम वाली बाई भी उतना बर्तन नहीं मांगती, तो उतना बर्तन मांझ के मेरे नाखूनों का हालत देखिए, सब पूरा टूट जाता है, इधर से इधर से टूट जाता है बीच में से, तो इसलिए मैंने सब नाखून छोटा छोटा काट लिया है और इनको भी फाइल कर रही हूँ और ये वाला नेल पेंट लगाऊंगी, इधर न्यू शेड का है मुझे बहुत पसंद है, ये वाला नेल पेंट अप्लाई करूंगी। पैर में भी मतलब जो कलर मैंने लगाया था पिंक टाइप का वो भी मैंने मतलब रिमूव कर दिया है, अभी ये वाला कलर लगाऊंगी। तो चलिए गाइस वीडियो को बहुत बड़ा कर चुकी हूँ शायद मैं, इससे ज्यादा और बड़ा ना करके वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो प्लीज बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग बेल बटन नहीं प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं आएगा, और आप वीडियो जब मैं पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आप वीडियो नहीं देख सकोगे। तो चलिए जरूर से नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, फिर से आपसे मिलूंगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए सब अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पूरे फैमिली का ख्याल रखिए, सबके साथ मिलके रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय, लव यू ऑल।